हाय हेलो नमस्कार, लक्ष्मी सूर्यप्रकाश यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्ष्मी। ये सैटरडे का ब्लॉग है। ये अपलोड करने में इतना दिन क्यों हुआ मैं आगे बता दूँगी। अब हम चारों कैब से हॉस्पिटल जा रहे हैं। मुझे थायराइड टेस्टिंग था इसलिए हम जा रहे हैं। मैं तो पूरा एम्प्टी स्टमक में हूँ। सिर्फ थायराइड टैबलेट लिया था, उसके बिना कुछ नहीं पिया और खाया। प्रवीण और बच्चों ने दूध पीकर आया था। ये डॉक्टर डरला हॉस्पिटल है। ये मैसूर सरस्वतीपुरम में है। डॉक्टर का नाम डॉक्टर हरीश डरला। मैं यहाँ पर 10 साल से यही टेस्टिंग एंड कंसल्टिंग कर रही हूँ। अच्छे डॉक्टर है। रिसेप्शन में अमाउंट पे करके यह ब्लड दे रही हूँ टेस्टिंग के लिए। देने के बाद हम होटल जाते हैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए। यहाँ श्रेयस भी आ गया है। हाँ, ये क्या कर रहा है इसे देखने के लिए। मैं पिछली बार आ गई थी 11:30 बजे तक। सबका ब्रेकफास्ट होने के बाद हम हॉस्पिटल आ गई थी। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे ससुर जी को भी टेस्टिंग था दूसरे हॉस्पिटल में। हम साथ में आए थे ना, तब एम्प्टी स्टमक पर आए था। पूरा चक्कर आ गई थी मुझे। गिर जाती थी, प्रवीण पकड़कर सोफ़ा में सुला के एक ORS दिया। आधा घंटे के बाद मैं नॉर्मल हुई। तब प्रवीण को इतना टेंशन हुआ था ना मुझे देखकर। जब ब्लड टेस्टिंग करते हैं ना, नर्स को बुलाकर टेस्ट कर लिया। वो नर्स शुगर टेस्ट करके शुगर नहीं है वो बोल दिया। इतना टाइम हो गए है ब्रेकफास्ट नहीं खाया इसलिए चक्कर आ गए है वैसे बोल दिया नर्स ने। अब हम होटल आ गई है। यहाँ पर सबके लिए नाश्ता दे रही है। श्रेयस के लिए राइस बात और गौरी के लिए पूरी। प्रवीण और वो ड्राइवर कैब ड्राइवर के लिए मसाला डोसा ऑर्डर किया था। ನಾನು ಪೂರಿನ ಹೇಳಿದಪ್ಪ ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣೆ ಇದು ಏನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೂರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೂರಿ हम ब्रेकफास्ट खाके वापस हॉस्पिटल में आए थे। 9:30 पर ब्लड टेस्टिंग दिया था, रिपोर्ट 1 बजे तक आ गए थे। लेकिन कंसल्टिंग के लिए बहुत लोग था इसलिए 2 घंटा वेट करके 2 बजे में डॉक्टर के पास कंसल्टिंग के लिए जाके आ गई हूँ। मेरा रिपोर्ट नॉर्मल नहीं था। HB काउंटिंग भी 9% था और B12 का इंजेक्शन भी दे दिया था। थोड़ा सा कम है इसलिए डॉक्टर बहुत नाराज से बोल दिया। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ
एंड 3 मंथ्स के बाद फिर से जाना है मुझे। हम औरतों को घर संभालते संभालते हमारे लिए टाइम भी नहीं निकल पाता है, इसी का रिजल्ट अबनॉर्मल का रिपोर्ट है। मुझे इतना रोना आए थे ना, मैं बोल भी नहीं पाई, लेकिन बाहर है इसलिए कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद लंच करके हम वापस जा रहे हैं। क्यों मुझे अपलोड करने में इतना टाइम हुआ आप देख लीजिए, मेरे हाथ का फिंगर्स ऐसा हुआ था। मुझे कुछ काम करने नहीं होता था, कपड़े को फोल्ड करके कुकिंग कर लिया और बर्तन भी वॉश कर लिया। इतना जल रहे थे ना वो, गॉड मैं क्या ही बोलूँ। हम सैटरडे जाके आ गए थे, ये तो संडे हो गया। मुझे संडे ऐसा हुआ था, अब ठीक है। ये पानी का स्टीम हाथ में आकर ऐसा चोट लगा लिया, रिंग फिंगर में ज़्यादा हुआ था चोट, और दैट्स इट गाइस। और इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा, अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड कमेंट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हर हर महादेव।